तो अभी जो आपके सामने बॉक्स है, ये एक एयर स्विंग है जो कि स्प्लिट एसी में लगाया जाता है, जो कि अभी सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो हम देखेंगे कैसे किस तरह से फिक्स करते हैं। यहाँ पे स्प्लिट एसी बना हुआ है और ये जो पार्ट्स इसके बॉक्स के अंदर है वो इस पार्ट्स का इमेज है। सामने से देखिए, इसमें ये दो फाइबर का प्लेट है और कुछ पार्ट्स है। तो आज हम वीडियो में देखेंगे कि हम इसे किस तरह से असेंबल करते हैं और किस तरह से एसी में फिक्स करते हैं। तो इसके अंदर ये पूरा पार्ट्स जो कि हम यूज़ करते हैं वो इस पर रखा हुआ है। ये दो पार्ट्स है जो कि हम वॉल पे फिक्स करेंगे। ये दो लॉक है जिसमें हम ये फाइबर का प्लेट यूज़ करेंगे, और ये साइड में लॉक है जो कि फाइबर का प्लेट को हैंग करेगा। कुछ स्क्रू और फिशर दिया गया है इसे फिक्स करने के लिए। तो आज हम पूरे वीडियो में देखेंगे कि इसे किस तरह से फिक्स करते हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि कोई पार्ट्स आपसे छूट जाए कि उसे किस तरह से फिक्स करते हैं। यहाँ पे ये दो प्लेट है, दोनों एक ही एसी पे यूज़ किया जाएगा। तो पहले हम इस दो प्लेट को लेकर एसी का मेज़रमेंट ले लेंगे कि एसी का लेंथ कितना है और उसे हमें कितने लंबे तक यूज़ करना है। तो इस जगह पे पहले हम इसे लेंथ ले लेंगे, पूरे कॉर्नर तक नहीं लेंगे क्योंकि कॉर्नर में हमें लॉक लगाना है। हमें उतना ही लेंथ लेना है कि साइड का लॉक लगाने के बाद ये दोनों स्विंग, मतलब कि पूरा जो इसका सेटअप है वो एसी के साइज़ के ही आ जाए, एसी से बाहर नहीं निकले। तो अभी मैंने इसका मेज़रमेंट ले लिया है, अब हम इसे असेंबल करेंगे। पहले इस प्लेट को असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद हम साइड के लॉक को असेंबल करेंगे। इस दो प्लेट को जोड़ने के लिए एक पार्ट दिया गया है जो कि स्मॉल स्क्रू टाइप है, उसे हम इस दोनों प्लेट को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये लॉक लगाया, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि किस तरह का लॉक है जिसे हम इसे फिक्स करते हैं। यहाँ पे होल दिया गया है जिसे कि हम इस दोनों फाइबर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये इस तरह का लॉक है, एक की टाइप का, जिससे कि इस दोनों प्लेट को हम एक दूसरे प्लेट से जोड़ सकते हैं। तो अभी ये तीन लॉक मैंने इसमें लगाया जो कि ये प्लेट एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। यहाँ पे ये देखिए, एक की टाइप है जिससे कि हम इसमें डालकर इसमें घुमा देंगे तो ये प्लेट एक दूसरे से जुड़ जाएगा। अभी ये प्लेट कनेक्ट करने के बाद हमें ये दो लॉक को इसके साइड पर लगाना है। ये जो एरिया है ये ऊपर रहेगा और ये साइड ऊपर रहेगा इस तरह से, और इसका जो दूसरा है वो उसके दूसरे तरफ में रहेगा। ये हमें फाइबर के नीचे में लगाना है, और सेम जो लॉक हमने उस जगह पे लगाया उसी तरह के लॉक से हमें इसे भी कनेक्ट करना है। तो चलिए पहले इसे कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें भी हम वो की टाइप वाला लॉक लगाएंगे और ये तीन लॉक इसमें लगेगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो फाइबर है उसके साइड पीछे तरफ से हमें इसे कनेक्ट करना है। ये तीन लॉक हमने इसमें लगाया और ये इस जगह पे लॉक हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले को भी इसके दूसरे साइड पे लगा लेंगे, ये तीन लॉक को। तो इस जगह पे लगा लेते हैं। अभी इसे भी हम इसके नीचे तरफ में लगाएंगे और ये तीन लॉक को इस पे फिक्स कर देंगे। उसके बाद फिर हमें उसके लॉक को वॉल पे फिक्स करना है। ये तीन लॉक इस जगह पे लग गया जो कि इसका हाफ सेटअप है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से इसे वॉल पे फिक्स करना है। उसके बाद जैसे कि ये जो कंपनी का है, यहाँ पे एक नाम दिया गया है, उसे हम इसके सेंटर पे लगाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे कौन सा पार्ट किस जगह पे लगाता हूँ। ये यहाँ पे नाम है इसका जो कि हम इसके इस जगह सेंटर पे लगा देंगे, जहाँ पे इसमें फाइबर पे ये कट मार्क दिया गया है उसके हम इस जगह पे लगा दिए। सेम दो है दोनों फाइबर प्लेट के लिए। तो अभी इस दोनों जगह पे ये लग गया। इसके बाद हम फिर से इसमें ये साइड का लॉक फिक्स करेंगे इस तरह से। ये साइड का लॉक इसमें अंदर फिक्स कर देंगे जिससे कि ये मूव
हो जाएगा, मैं आपको मूव करके दिखाऊंगा बाद में। पहले हम इस लॉक को लगा लेते हैं इस तरह से। दोनों साइड का लॉक जो कि वॉल में कनेक्ट होगा उसे हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए ये इस तरह से मूव करेगा। अभी तो मैंने लॉक को मूव किया है, पर जब लॉक दीवार में लग जाएगा तो जो फाइबर प्लेट है वो भी मूव करेगा। देखिए ये किस तरह से लॉक मूव करेगा, देखिए ये इस तरह से मूव कर रहा है। तो जब हम इसे वॉल में फिक्स करेंगे तो हम वो फाइबर प्लेट को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा। अभी इसके ऊपर दो पार्ट लगा हुआ है जो कि हमें वॉल में फ़िक्स करना है। ये वाला, ये जो भी मेरे हाथ में है, इसे हमें पहले वॉल में फ़िक्स करना है। तो इसमें किस तरह से इसे वॉल में फ़िक्स करते हैं वो देखिए। डायरेक्ट हमें इसमें वॉल में लगाकर इसमें स्क्रू नहीं लगाना है, इसमें जो ऊपर का पार्ट है उसे हमें एसी के अंदर घुसाना है। एसी का कवर, एसी पे जो है उसे थोड़ा सा बाहर खींच कर इसके इसको अंदर घुसा देंगे जो कि इसमें टाइट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें उसको जो कि फाइबर का जो प्लेट है उसका पूरा सेटअप हम इसमें कनेक्ट करेंगे। देखिए अभी मैंने इसे एसी के अंदर घुसा दिया। अब हम इसमें पहले एक स्क्रू टाइट करेंगे, एक स्क्रू फुल टाइट नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा गैप छोड़कर इसमें हम जो उसका लॉक है जो कि दीवार में सेटअप होगा उसे हम पहले इस जगह पे फिक्स कर लेते हैं। ये वाला लॉक, इसका हम एक एंड उस स्क्रू के अंदर फंसा देंगे। उसके बाद जो इसका दूसरा स्क्रू है उसे फिक्स करेंगे। इस जगह पे दूसरा स्क्रू लगेगा, एक स्क्रू के एंड पे वो लग गया। अभी हमें इसमें दूसरा स्क्रू लगाना है। दूसरा स्क्रू लगाने के बाद जो उसका दूसरा सेटअप है उसे दूसरे साइड पे इसी तरह से लगाएंगे। अभी इस जगह पे ये एक लग गया, हमें इसे चेक कर लेने के बाद इसे वापस से ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से इसमें पहले वॉल पे फिक्स कर लेना है। इसे एसी के अंदर सही तरीके से फिक्स करेंगे, नहीं तो इसे मूव करते समय हो सकता है कि ये खुल जाए। तो अभी ये हार्ड फिक्स हो गया है, अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है। दूसरे साइड पे भी इसी तरह से फिक्स। देखिए यहाँ पे जो ये जो पार्ट है ये सामने रहेगा और ये पीछे की तरफ रहेगा। जो इसका ऊपर का एरिया है वो एसी के अंदर चला जाएगा। ये देखिए इस जगह से एसी को हल्का से ऊपर करेंगे और इसे अंदर घुसा देंगे। फिर एक स्क्रू को इतना टाइट करने के बाद थोड़ा सा छोड़ देंगे और इसे इस तरह से फंसा कर दूसरे स्क्रू को भी इस पर टाइट कर देंगे। उसके बाद जो दोनों स्क्रू है वो पूरी तरीके से फिक्स कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए दोनों एक दोनों जो लॉक है वो एसी के एंड पे है। अभी हम जो इस फाइबर प्लेट पे ये जो लॉक लगाए थे इसे हमें ओपन कर लेना है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से है कि अब आप इसको अगर फिक्स करते हैं उसको लगाकर तो ये फिक्स नहीं हो पाएगा। ये जो फाइबर प्लेट है वो बॉडी पे एसी के बॉडी पे टच करेगा, इसलिए पहले हम इसे ओपन करके यहाँ पे जहाँ पे इसमें लॉक लगना है उस पे लगा लेंगे। इस तरह से लगाकर इसे थोड़ा मूव कर लेंगे। देखिए मैंने इसे मूव किया। उसके बाद जो दूसरा है उसे भी ओपन कर लेंगे, इसके दूसरे साइड पे लगाकर इसे भी इस तरह से मूव कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें फाइबर का प्लेट जैसे मैंने पहले फिक्स किया था उसी तरीके से फिक्स करेंगे। फाइबर प्लेट को अंदर डालना है, जो लॉक हमने लगाया है वो नीचे की तरफ रहेगा। उसके बाद हमें उस की को वापस से इसमें लगा देना है, तीन की इस तरफ और तीन की दूसरे तरफ। इस जगह पे ये तीन की हो गया, इस जगह पे मैंने तीन की लगाया। अब इसके दूसरे साइड पे तीन की और लगाना है। देखिए इस तरह से ये लग जाएगा और ये इस तरह से मूव करेगा। ये हम चाहें तो हवा को ऊपर की